नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अजीत पवार और एनसीपी के बाकी नेताओं के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट सदमे में बताया जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे खेमे के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर सरकार में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। बता दें, ये बात तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी कह चुके हैं कि एनसीपी नेताओं के सरकार में आने के बाद शिंदे गुट के विधायकों को अच्छे मंत्रालय नहीं मिल पाएंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने मीडिया से कहा है कि मैंने सुना है कि सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और सरकार में कुछ बदलाव हो सकता है। बता दें, हाल ही में शिवसेना यूबीटी के एक वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दावा किया था कि अजीत पवार और अन्य एनसीपी नेता सरकार में शामिल हो गए हैं। शिंदे खेमे के 17-18 विधायक उनके संपर्क में हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के इस जुमले का मजाक उड़ाया है कि उन्हें यानी शरद पवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा वो काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें। पवार ने कहा कि आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि केवल लोगों की सेवा करना चाहता हूं। बुजुर्ग मराठी नेता शरद पवार ने आज से प्रदेश का राज्यव्यापी दौरा शुरू कर दिया है ताकि पार्टी को खड़ा किया जा सके। आज नासिक में उनकी पहली रैली हुई है, वो कल रविवार को धुले में होंगे। महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी उनके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। इंडिया टुडे के मराठी डिजिटल समाचार चैनल मुंबई तक को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने यह कहते हुए कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर हुआ हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने शनिवार को महागठबंधन में दरार की अटकलों को खारिज कर दिया। दरअसल आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ ताजा चार्जशीट के बाद महागठबंधन में फूट की अटकलबाजी लगाई जा रही थी। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के इशारे पर अफवाह फैलाई जा रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने भी महागठबंधन में दरार से इनकार किया। हालांकि नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री को लेकर चिंता जाहिर की। शिक्षा मंत्री उस घटना के बाद से विभाग नहीं जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का मतदान भारी हिंसा के बीच हुआ। पूरे राज्य भर से जगह जगह हिंसा, आगजनी, पथराव की खबरें आईं। राज्य में शनिवार सुबह 7 बजे पंचायत चुनाव शुरू होने के बाद से दोपहर तक ही 9 लोगों की मौत हुई और मध्य रात्रि से चुनाव संबंधी कथित हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 टीएमसी और 1-1 भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। उनके अलावा हिंसा में निर्दलीय पार्टी के समर्थकों की भी मौत हुई है। सीधी पेशाब कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पीड़ित दशमत रावत के पैर धोने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह पीड़ित के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले गंगाजल छिड़क कर दशमत रावत का शुद्धिकरण किया, फिर उनका गंगाजल से मुंह धोया और एक गमछे से मुंह और सिर को साफ भी किया। आखिर में ज्ञान सिंह ने पीड़ित को टीका लगाया। बता दें, बात अगर कांग्रेस की करें तो वे इस मुद्दे को बिल्कुल सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जानती है कि राज्य में 47 सुरक्षित आदिवासी सीटें हैं और मौजूदा समय में इनमें से 30 उनके पास हैं और बीजेपी के पास 16 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस इन कुल सीटों पर इस मुद्दे के जरिए अपना परचम लहराना चाहती है। वहीं बीजेपी भी इन्हीं सीटों पर नजर लगाए हुए है, इसी कारण से शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सम्मान किया है। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड में पीड़ित दशमत रावत ने अब कहा है कि हमने पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला को माफ कर दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि उसे माफ कर दिया जाए। हम इस मामले में आगे कुछ नहीं चाहते हैं। वो गांव के पंडित हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, इतना हमारे लिए काफी है। बता दें, हाल ही में दशमत का सम्मान शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उसके बाद घर लौटे दशमत रावत की बोली में ये बदलाव आया है। दशमत ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता राशि भी दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता राशि भी मुख्यमंत्री ने दी, सब हो गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के सीधे जिले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति आदिवासी युवक दशमत पर पेशाब करता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद मामला गर्मा गया। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और आदिवासी समुदाय की संख्या बड़ी है, जिसके बाद शिवराज ने दशमत को बुलाकर पैर धोए। मध्य प्रदेश में सीधी के पेशाब कांड के बाद अब ग्वालियर से विद्रूप वीडियो सामने आया है।
वायरल वीडियो में दबंगों का एक ग्रुप मुस्लिम युवक को चलती कार में बेरहमी से पीट रहा है, उसके चेहरे पर चप्पलें बरसा रहे हैं, तलवे चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी और फरियादी ग्वालियर जिले के डबरा विकासखंड के रहने वाले हैं। शिकायत है कि पीड़ित की आरोपी गोलू गुर्जर के भाई से पुरानी अदावत है, दोनों के बीच विवाद होते रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई से चिक और अदावत को लेकर गोलू गुर्जर ने शुक्रवार को पीड़ित को किसी दूसरे नाम से बुलाया। वाहन लेकर पहुंचे गोलू को देखकर पीड़ित ने मौके से निकलने का प्रयास किया। वाहन में सवार गोलू और उसके तीन साथियों ने पीड़ित को नहीं जाने दिया, बलपूर्वक गाड़ी में बैठाया और ग्वालियर डबरा हाईवे पर ले गए। चलते वाहन में गोलू ने पीड़ित को जमकर पीटा। गोलू के साथी भी पीड़ित पर हाथ साफ करते रहे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री चुनावी वोट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक उनकी दो रैलियां हो चुकी हैं। कल शुक्रवार को वो यूपी के गोरखपुर में थे, आज शनिवार को वो तेलंगाना और राजस्थान में हैं। तेलंगाना के वारंगल में उनकी रैली हो चुकी है। तेलंगाना में वो सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने आए थे, लेकिन उनका फोकस भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS इसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और वहाँ की सरकार रही। उन्होंने तेलंगाना सरकार को सबसे भ्रष्ट बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ की कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित रैली में PM मोदी ने भ्रष्टाचार की कथित संलिप्तता के लिए वंशवादी राजनीति दलों पर हमला किया। PM मोदी ने कहा, इन सभी वंशवादी पार्टियों की नींव भ्रष्टाचार में है। वंशवादी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को पूरे देश ने देखा है और पूरे तेलंगाना ने BRS का भ्रष्टाचार देखा है। मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों के लिए BRS और कांग्रेस दोनों खतरनाक हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि PM ने BRS को भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है और स्वाभाविक रूप से भाजपा और BRS एक साथ हैं। जयराम रमेश ने कहा कि याद रखें, इस साल की शुरुआत में गृहमंत्री ने कोनराड संगमा की मेघालय सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार कहा था। इसके बाद BJP ने संगमा से गठबंधन कर लिया। जयराम ने कहा कि मैंने 21 मार्च 2023 को CBI को एक पत्र लिखकर गृहमंत्री द्वारा लगाए गए बेहद गंभीर आरोपों पर पूछताछ करने का अनुरोध किया था। इस पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि और निश्चित रूप से एक समय ऐसा था जब PM ने NCP को स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी करार दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल ED ने सभी चैनलों पर चलवाया कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की 62 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, लेकिन मनीष सिसोदिया के सिर्फ दो फ्लैट यानी 1 65 लाख का और 5 लाख का और एक बैंक अकाउंट यानी 11 लाख का जब्त किए हैं। ये फ्लैट 2018 से पहले खरीदे गए थे, जब कोई एक्साइज पॉलिसी नहीं थी। संपत्तियों की घोषणा भी आयकर और चुनावी हलफनामे में की गई है। केजरीवाल ने कहा कि PM मोदी आपको रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब आपको बदनाम करने के लिए किया गया है। अडानी की कंपनी की ओर से बनाए गए एक पुल को चोरों ने चुरा लिया है। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। ये पुल पश्चिमी उपनगर में एक नाले पर लगाया गया था। ये लोहे का पुल 6,000 किलोग्राम का है। बांगड़ नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने बड़े स्तर पर बिजली के तार ले जाने के लिए 90 फुट का ये पुल बनाया था। कुछ महीने पहले जब उस नाले के ऊपर एक स्थायी ब्रिज बन गया तो उस अस्थायी ढांचे को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि 26 जून को ये बात सामने आई कि वो अस्थायी पुल अपनी जगह से गायब था, जिसके बाद बिजली कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि पुल को आखिरी बार 6 जून को देखा गया था। पुलिस ने बताया है कि चोरी हुई लोहे के पुल को बरामद कर लिया गया है। हनी ट्रैप में फंसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर पाकिस्तानी महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ओर आकर्षित थे और वो महिला वैज्ञानिक कुरलकर से डिफेंस प्रोजेक्ट के अलावा भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत करती थी। बता दें, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS ने पुणे में DRDO की एक प्रयोगशाला के निदेशक कुरलकर के खिलाफ पिछले हफ्ते एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया। प्रदीप कुरलकर और पाकिस्तानी महिला व्हाट्सएप के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में थे। महिला ने खुद को UK में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और अश्लील संदेश और वीडियो भेजकर उससे दोस्ती की। ATS ने आरोप पत्र में कहा है कि जाँच के दौरान उसका IP पता पाकिस्तान का पाया गया। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुरलकर ने DRDO के संवेदनशील जानकारी अपने निजी फोन पर जुटाई और फिर कथित तौर पर इसे पाकिस्तानी महिला के साथ साझा किया।
उन्होंने जमीन से हवा में मान करने वाली मिसाइलों, ड्रोन, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और यूसीबी सहित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की। बता दें, कुरुलकर को गिरफ्तार किया गया है। कुरुलकर को आरएसएस का स्वयंसेवक बताया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के मामले में आरएसएस के देश विरोधी चेहरे को उजागर किया है। खेड़ा ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आरएसएस के साथ कुरुलकर के संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट करें। बता दें, कुरुलकर आरएसएस की वर्दी में भी 2018 में देखे गए थे। 2018 में उस कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत मंच पर मौजूद थे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शुक्रवार को अलग अलग घटनाओं में एक पुलिस कमांडो समेत चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटनाएं विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में हुई। विष्णुपुर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में पिछले कई दिनों से संदिग्ध चरमपंथी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। इस अशांत जिले के कई जगहों पर शुक्रवार को भी दिन भर गोलीबारी जारी रही। इस गोलीबारी में पुलिस कमांडो पुखराम बाम रणबीर को गोली लग गई, जिनके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। जबकि चुराचांदपुर जिले के कांगवई में हुई एक गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत दौरे पर हैं। इस बीच सोनीपत में सुबह सुबह राहुल अचानक किसानों के बीच पहुंच गए और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान रोपा। उनके पहुंचते ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और सभी अपना काम छोड़कर उनसे मिलने के लिए आने लगे। राहुल गांधी जब किसानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान किसान भी उनके साथ ट्रैक्टर पर नजर आए। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर ने पहले लगातार बचाव करने के बाद माफी मांग ली है। शनिवार सुबह किए गए ट्वीट में मनोज मुंतशिर ने कहा है, मैं बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। मनोज मुंतशिर ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें। हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। बता दें, फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग पर हुए विवाद के बाद मनोज मुंतशिर अपने लेखन का बचाव करते रहे थे। वहीं इस फिल्म पर प्रतिबंध को लेकर हिंदू सेना नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिस पर सुनवाई हो रही है। बता दें, मनोज मुंतशिर की माफी फिल्म के धड़ाम से गिरने के बाद आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।